अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया प्रॉब्लम एसएफडी पीएमडी का, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। वी हैव टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू किलो पर मीटर। लेटर से इसका स्पैन कितना है, वो है एल। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। तो एक बीम को मैंने दो सपोर्ट्स पे रेस्ट किया हूं, उस बीम पे आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब हर पॉइंट पे लोडिंग की इंटेंसिटी सेम है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था इसका, सबसे पहला स्टेप आता है रिएक्शन कैलकुलेशंस। रिएक्शन कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आप लोग क्या करना, आप लोग यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर मुझे यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्शन करना है, यूडीएल टू पॉइंट लोड, क्या करना पड़ेगा, उस लोडिंग की इंटेंसिटी को उसके स्पैन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दिस इज अ रेक्टेंगल लोडिंग, रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया वर्कआउट करूं तो हाइट है डब्ल्यू, स्पैन है एल, सो एरिया मस्ट बी इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू इंटू एल। इसका जो एरिया है वो आपको दे देगा पॉइंट लोड, दिस विल गिव यू पॉइंट लोड, वेयर एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल लोड। ये एक रेक्टेंगल लोड है, रेक्टेंगल लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पर आता है। तो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। पॉइंट लोड कितना है, वो है डब्ल्यू इंटू एल। तो डब्ल्यू इंटू एल, ये पॉइंट लोड डब्ल्यू इंटू एल, ये कहां पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा यूडीएल के सेंटर पे। तो यूडीएल का सेंटर कहां पे है ना, टोटल स्पैन है एल, उसका सेंटर है एल बाय टू, एल बाय टू। अब हमको पता है कि अगर लोड सेंटर पे आ रहा है तो बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर लोड सेंटर पे आ रहा है तो रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ द लोड माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय। तो याद रखना, बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, रिएक्शन विल बी डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू। या फिर मैं बोल सकता हूं शियर फोर्स एट ए विल बी डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका शियर फोर्स कैलकुलेशन। याद रखना, अगर मैं इसको डिराइव कर रहा हूं तो आपको डिराइव करते वक्त यूडीएल में एक सेक्शन मार्क करना है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल के टाइम पे आप एक सेक्शन मार्क कर लीजिए, उस सेक्शन के हिसाब से अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपने एक सेक्शन मार्क किया है, सेक्शन एक्स एक्स, जिसका डिस्टेंस इस ए पॉइंट से कितना है, वो है लेटर से एक्स। एंड ये जो वर्टिकल रिएक्शन है उसकी वैल्यू मुझे पता है, वो आती है डब्ल्यू एल बाय टू, दिस इज डब्ल्यू एल बाय टू। जस्ट अपने वर्कआउट किया था फर्स्ट स्टेप में। अगर मुझे उस शियर फोर्स सेक्शन एक्स एक्स का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, आप सेक्शन के लेफ्ट से स्टार्ट करिए। सेक्शन के लेफ्ट में ये फोर्स अप जा रहा, ये वी अप जा रहा, तो अपवर्ड इज पॉजिटिव क्योंकि मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर डब्ल्यू एल बाय टू। अब ध्यान देना, ए से लेकर सेक्शन एक्स एक्स तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, उस पे यूडीएल आ रहा है कितने का, डब्ल्यू का। तो अगर मुझे उसको लोड में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में, तो कैसे करेंगे, डब्ल्यू इंटू एक्स। सी सेक्शन एक्स एक्स है, सेक्शन एक्स एक्स के लेफ्ट में ये लोड अप जा रहा, डाउनवर्ड लोड भी तो आ रहा है ना, वो आ रहा है डब्ल्यू इंटू एक्स, डाउन जा रहा, तो लोगों ने उसको माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। यहां पर एक्स का पावर कितना है, वो वन है, ठीक है। नाउ सी, आई वांट टू वर्क आउट शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अगर मुझे ए पे शियर फोर्स वर्कआउट करना है तो कैसे करेंगे, सी सेक्शन की शुरुआत ए से हुई है, अगर सेक्शन की शुरुआत ए से हुई है तो ए पे एक्स कितना रहेगा, वो रहेगा जीरो। सेक्शन की शुरुआत ए से हुई है मतलब ए पे एक्स कितना है, जीरो। तो यहां पे ए पे लेना एक्स इक्वल टू जीरो, इस एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू यहां पर कर लिया आप, तो क्या ना, वो आएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स कितना जीरो, द आंसर विल बी डब्ल्यू बाई टू ओनली। अब मैं वर्कआउट करूंगा पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी आपका, पॉइंट बी पे आपका एक्स का वैल्यू कितना है, आपने ए से स्टार्ट किया बी पे खत्म किया, तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज एल। तो शियर फोर्स अगर आपको बी पॉइंट पे निकालना है, मतलब एक्स इक्वल टू एल है, तब क्या रहेगा, डब्ल्यू एल बाई टू, ये मैंने कॉपी कर लिया, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स कितना आपका, वो है एल।
अभी करना क्या है, डब्ल्यू एल बाय टू में से डब्ल्यू इन टू एल सब्ट्रैक्ट करना, तो आपका आंसर कितना आता है, वो आता है माइनस डब्ल्यू एल बाय टू। अब मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ए पे और बी पे शियर फोर्स मिल चुका है, तो इसका एस एफ टी कैसे बनेगा, ये इसका रेफरेंस एक्सिस आ गया, ए पॉइंट का शियर फोर्स कितना वो है प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, तो प्लस बोलेगा ऊपर पॉजिटिव आ रहेगा, बी पे कितना है वो है माइनस डब्ल्यू एल बाय टू जाएगा नीचे। अब इसको कनेक्ट कैसे करना वो देखते हैं, सी शियर फोर्स का जो वेरिएशन है वो एक्स का पावर कितना है वन, सी शियर फोर्स इज वेरिंग विद द एक्स पावर वन, मतलब वो लीनियर रिलेशन है, शियर फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू का पावर वन, मतलब एक्स का जो इक्वेशन है वो लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनता, इट इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये हाइट कितनी आपकी, ये हाइट है डब्ल्यू एल बाय टू, और ये हाइट कितनी आपकी, दिस इज ऑल्सो डब्ल्यू एल बाय टू। अब ध्यान रखना, ये आपका पॉजिटिव एरिया है, ये आपका नेगेटिव एरिया है, या फिर नेगेटिव शियर फोर्स है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर शियर फोर्स क्या बन रहा, एग्जैक्टली जीरो बन रहा, आपको वो लोकेशन वर्कआउट करना पड़ेगा कि वो शियर फोर्स जीरो बन कहां रहा है, क्योंकि एक प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो रहेगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, तो आपको न्यूमेरिकल में शियर फोर्स का जीरो लोकेशन वर्कआउट करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल बोल दिया, ये हाइट कितना है, ये हाइट डब्ल्यू एल बाय टू, ये हाइट कितना है वो भी डब्ल्यू एल बाय टू है, तो इसका मतलब ये है दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, तो ये जो जीरो शियर फोर्स है वो एग्जैक्टली हमारा सेंटर पे, मतलब एल बाय टू, एल बाय टू पे, मतलब एक्स इक्वल टू एल बाय टू पे सेंटर ऑफ द बीम पे शियर फोर्स क्या बन रहा, जीरो बन रहा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा शियर फोर्स कैलकुलेशन, जिसमें आपने एक सेक्शन मार्क किया, उस सेक्शन के अबाउट आपने शियर फोर्स वर्कआउट किया, अपवर्ड पॉजिटिव डब्ल्यू बाय टू कॉपी किया, डाउनवर्ड क्या है डब्ल्यू इंटू एक्स है, क्योंकि मैं सेक्शन तक की बात कर रहा हूं, तो डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस कॉपी किया, तो शियर फोर्स ए निकाला बी निकाला, सो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। अब इसका जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमको बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन शो करना है और उसका बीएमडी प्लॉट करना है, तो हमने क्या किया, वापस एक सेक्शन मार्क किया, आप याद रखना कि यूडीएल के टाइम पे आपको सेक्शन मार्क करना ही है डिराइव करता होगा, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू वर्कआउट बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन एक्स एक्स, सबसे पहले काम करते हैं हम ए से लेकर सेक्शन एक्स एक्स तक का एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो कैसे बनेगा, ए से लेकर ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना सेक्शन एक्स एक्स है, ए से लेकर सेक्शन एक्स एक्स यहां पर यूडीएल, डिस्टेंस कितना है ये है एक्स, अगर मुझे यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू बाय एक्स, क्योंकि मैंने सिर्फ ए से लेकर सेक्शन एक्स एक्स तक का पोर्शन चेक किया, तो ए से लेकर सेक्शन एक्स एक्स है, लोड है डब्ल्यू, डिस्टेंस है एक्स, तो वाई नॉट डब्ल्यू इंटू एक्स, उसको कहां प्लेस करना है, उसको एक्स के सेंटर पे प्लेस करना है, मतलब एक्स बाय टू पे। अब मैं उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट ले सकता हूं, सो लेट अस वर्कआउट बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ध्यान देना इसमें आपको टेल चेक करना है, अगर टेल डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, टेल अपवर्ड तो नेगेटिव, ये आपका टेल है फोर्स का, ये पहला फोर्स है वी ए, इसको ए से लेकर सेक्शन तक के जाने के लिए डिस्टेंस कितना एक्स है, तो वी ए इंटू एक्स, वी ए की वैल्यू कितनी है हम आगे लिख लेते हैं, वी ए इंटू एक्स, उसके बाद ये दूसरा लोड है इसका टेल है ऊपर, टेल अपवर्ड इज नेगेटिव डब्ल्यू इंटू एक्स, इसको ए इस पॉइंट से लेकर सेक्शन तक का डिस्टेंस कितना है वो है एक्स बाय टू, सो दिस इज एक्स बाय टू, तो आंसर कितना बनता, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स वी ए इज डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, यहां पर x का हाईएस्ट पावर कितना है वो टू है, ठीक है। अब ध्यान देना दिस इज टू, अब लेट अस से मैं वर्कआउट करता हूं बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए पे, अगर मैं ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वर्कआउट करूं तो ए पे आपको पता है x कितना है जीरो, आप x की वैल्यू जीरो यहां पुट कर लो, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो आंसर कितना था जीरो, और सिंपल सा लॉजिक है कि ए तो सिंपल सपोर्ट है वहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, यहां पे एक्स कितना है एल है, एक्स की वैल्यू एल उठा के कहां पुट करना है, यहां पुट करना है,
तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल विल गिव यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है एल का स्क्वायर, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू बिकम्स जीरो। आप चेक कर सकते हैं, आप एक्स की वैल्यू एल यहां पुट करिए, एक्स की वैल्यू एल यहां पुट करिए, द आंसर विल बी जीरो। तो अगर ए पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, तो आपको निकालना कहां पर है, आपको निकालना कहां पर है उसके सेंटर सी पे निकालना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे शियर फोर्स जीरो है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, इट विल बी मैक्सिमम। लेट अस वर्क आउट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी मतलब है बीम का सेंटर, क्योंकि सेंटर पे शियर फोर्स जीरो आ रहा है, वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है एल बाई टू, बीम का सेंटर इज एल बाई टू, इसको उठा के यहां पुट करिए, तो डब्ल्यू एल बाई टू, एक्स कितना है आपका एल बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू, एक्स कितना है एल बाई टू का होल स्क्वायर। अगर आप इसको प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे तो आपका आंसर आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, जिसका वेरिएशन कुछ इस प्रकार बनता है। बोलिए ए पे कितना है जीरो, बी पे कितना है जीरो, सी पे कितना है, वो है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। अब दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब सुनो, बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन है वो एक्स की पावर टू के हिसाब से वेरी हो रहा है, मतलब इट इज अ स्क्वायर पैराबोला। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर टू, मतलब स्क्वायर पैराबोला, मतलब इसका जो कर्व बनेगा उसका डिग्री कितना रहेगा, वो रहेगा टू, या फिर शियर फोर्स का ये पावर कितना है, ये वन है। अगर शियर फोर्स का पावर वन है तो बेंडिंग मोमेंट की पावर कितना रहेगा, वो टू रहेगा। अब दिक्कत ये है कि इसको कनेक्ट कैसे करूं, क्या मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं या ऐसे कनेक्ट करूं या ऐसे कनेक्ट करूं या ऐसे कनेक्ट करूं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। अभी हम चेक करने वाले हैं कि हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे। नाउ सी, ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, इस ए पॉइंट पे शियर फोर्स है डब्ल्यू एल बाई टू, मतलब यहां पर शियर फोर्स है मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स मैक्सिमम है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना कुछ स्लोप रहेगा, या फिर एट पॉइंट ए शियर फोर्स इज मैक्सिमम, इट मींस द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी मैक्सिमम। फिर सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, वो है जीरो, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, उसका स्लोप रहेगा जीरो। नेक्स्ट बी पॉइंट पे वापस क्या होगा, शियर फोर्स आगे मैक्सिमम, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कुछ ना कुछ आएगा, इसका वेरिएशन कुछ इस प्रकार बनता है, दिस इज पैराबोलिक। बीम के सेंटर पे, ये बीम का सेंटर है, बीम के सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहां पर शियर फोर्स जीरो होगा। यहां पर आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। यहां पर शियर फोर्स क्या है, यहां पर शियर फोर्स है मैक्सिमम, तो देखो यहां पर आपको कुछ ना कुछ स्लोप मिल रहा है अल्फा। यहां पर शियर फोर्स क्या है, मैक्सिमम, तो आपको यहां पर कहना मिल रहा है अल्फा। आप यहां पर एक टेंजेंट कीजिए, यहां पर आप अल्फा मेजर कर सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है, जहां जहां पर आपको शियर फोर्स मिल रहा है वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम विल शो सम स्लोप, उसका कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। सो एट अ पॉइंट ए देयर इज अ मैक्सिमम शियर फोर्स, इट मींस देयर विल बी सम स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी मैक्सिमम। सी पॉइंट आया, सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो दिस प्रकार से हम लोग ने बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन पढ़ गया। दिस इज बीएमडी, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड दिस इज एसएफडी, ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा, बिकॉज इट इज साइन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो बीम कैरिंग यूडीएल शियर फोर्स कैसे बनता है, इट इज लाइक अ ट्रायंगल, पहले आप डब्ल्यू एल बाई टू, यहां से माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बीम कैरिंग यूडीएल, इसका बीएमडी बनता है पैराबोला, दैट इज स्क्वायर पैराबोला, विच इज नथिंग बट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग टू पॉइंट लोड्स एट वन थर्ड स्पैन, उसका बीएमडी कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।